आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हमने कोई लड़ाई छोड़ दी है। 2018 में भी यही इलाके थे, यही मंच था, यही समर था, यही संघर्ष था। आज 2023 में भी वही इलाका है, वही मंच है, वही समर है, वही संघर्ष है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आम पड़ी इस देश में कि हमारे जैसे हजारों लाखों नौजवानों ने एक राजनीतिक फैसला लिया है। वो जरूरत ये आन पड़ी कि हम सबने ईमानदारी से एक बात महसूस की है। आप यह बात चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े सदस्य हों, चाहे आप भाजपा से जुड़े हों, चाहे टीआरएस से जुड़े हों, एमआईएम से जुड़े हों, या सीपीआई से जुड़े हों, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हों, इस देश के लोगों ने पिछले कुछ महीनों और सालों में एक बात महसूस की है। महसूस ये किया है कि इस देश में एक ऐसा नेता है जो खुले तौर पर धन्ना सेठों की लूट के खिलाफ बोलता है। इस देश में एक नेता है सच बोलने के लिए यह गुणा गणित नहीं करता है कि सियासत के लिए फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। अगर किसी के ऊपर अत्याचार हुआ हो तो उसका लिबास नहीं देखता है, उसका जात नहीं देखता है, उसका धर्म नहीं देखता है, उसका मजहब नहीं देखता है। एक ऐसा नेता है जो कौरवों के बीच में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और यह बात आप आज किसी से भी पूछ लीजिए, भले वो कांग्रेस का वोटर ना हो, भले वो किसी जमाने में कांग्रेस का विरोधी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज यह बात हर कोई मानने के लिए तैयार है कि जब पूरी दुनिया को, बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, जब पूरी दुनिया को नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जब महिलाओं और बच्चों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, आम लोगों के साथ आए दिन शोषण होता है, उनको उनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से महरूम किया जाता है, पूरी दुनिया को नफरत के आग में जलाने की अगर साजिश की जा रही है, तो साजिश के खिलाफ अगर मोहब्बत की बात कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इस बात मजबूत अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होने वाली है। अगर देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो रही है तो मेरा एक सीधा सवाल है कि वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हमारा ये सीधा सवाल है। इसका मतलब ये है कि देश नहीं हो रहा है, दोस्त अमीर हो रहा है, दोस्त। इसका मतलब ये है कि नाम देश का लिया जाता है, तिजोरी दोस्त का भरा जाता है। इसका मतलब यह है कि इस देश के भीतर लोगों की जो वास्तविक हालत है उसकी सच्चाई छुपाने की कोशिश की जाती है। आज देश की हालत यह है कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 1 घंटे से कम समय में देश के किसी न किसी कोने में कोई नौजवान आत्महत्या करके अपनी जान गंवा देता है। आए दिन सैकड़ों हजारों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। कर्जा लेकिन किसका माफ किया जाता है? 1,75,000 करोड़ रुपया नेताओं के बड़े बड़े दोस्तों का कर्जा माफ किया जाता है। तो हे हमारी जनता, हे हमारी आवाम, आपको यह सोचना पड़ेगा कि अगर इस देश के धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो देश के किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। यह सवाल हमको सोचना पड़ेगा, यह सवाल हमको सोचना पड़ेगा कि लोन की माफी अगर बड़े बड़े धन्ना सेठों को मिल सकता है तो हमको 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं मिल सकती है? हमको 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं मिल सकती है? हम यह सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। सर अजीत पासा साहब, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राज्यसभा के, आपको फ्री में घर मिलता था, आपको गैस चूल्हा मिलता था,
आपको टेलीफोन मिलता था, आपको जो है ट्रेन में आने जाने का पास मिलता था, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर ये सुविधा मिल सकती है तो कांस्टेबल को काय नहीं मिल सकता है क्या जी? अगर कांस्टेबल को मिल सकता है तो टीचर को क्यों नहीं मिल सकता है? अगर टीचर को मिल सकता है तो बैंक में काम करने वालों को क्यों नहीं मिलेगा? मैं कहता हूं कि जिसको आप पोर्ट दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, अगर उसको सारी सुविधा दे सकते हैं तो दुकानदारों को सुविधा क्यों नहीं दे सकते हैं, आम आवाम को सुविधा क्यों नहीं दे सकते हैं? ये हमारा सवाल है। ये जो मॉडल है, इस मॉडल को हमको समझना पड़ेगा। और इस मॉडल को जब हम समझते हैं तो सिर्फ देश की ही नहीं, राज्य की भी सियासत हमको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। राज्य की हालत क्या है? राज्य की हालत यह है कि इस राज्य को बनाने के लिए संघर्ष किया गया। एक कमेटी थी जिस कमेटी का नाम था ज्वाइंट एक्शन कमेटी, और वह जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी उसमें रहने वाले लोगों ने, उसमें शामिल लोगों ने दिन रात संघर्ष करके, आंदोलन करके, अपनी जान गवा करके, इस मंच से मैं उन शहीदों को सलाम पेश करता हूं, उनको जो है अपना वो जो बलिदान दिए हैं उसके लिए मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। लोगों ने जान गवा करके यह राज्य लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी और श्रीमती सोनिया गांधी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि तेलंगाना राज्य बनेगा। मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, हैदराबाद को लेकर के बड़ी मशक्कत हो रही थी कि हैदराबाद कहां जाएगा, हैदराबाद का क्या होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि हैदराबाद को चंडीगढ़ बना दिया जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना के साथ रहा और आज के डेट में हैदराबाद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आईटी सेंटर है। मेरा एक सीधा सवाल है, इस तेलंगाना को बनाने के पीछे जो मकसद था, नीलू निदलू नियम का जो, मतलब पानी पैसा और रोजगार, यही था ना नारा? मेरा एक सीधा सवाल है, ये नीलू निदलू नियमा कालू के सिद्धांत पे बना हुआ तेलंगाना आज उसकी हकीकत क्या है? आज उसकी हकीकत ये है कि हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सेक्टर का हब है, लेकिन तेलंगाना के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हैदराबाद के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। नियमा कालू की बात करने वाले लोगों से ये पूछना चाहिए कि आपने पिछले 9 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया है? मात्र 70,000 तेलंगाना पुलिस की बहाली को छोड़ करके कोई भी बहाली नहीं की गई है, ना ग्रुप 1 की, ना ग्रुप 2 की, ना ग्रुप 3 की, ना ग्रुप 4 की, कोई बहाली नहीं की गई है। जब एग्जाम आता है, पहले तो एग्जाम आता नहीं है, बड़ी मुश्किल से अगर एग्जाम आ जाए तो पेपर लीक हो जाता है। अरे ये पब्लिक सर्विस कमीशन वाला ऑफिस चला रहे हैं कि गटर चला रहे हैं कि बार बार लीक हो जाता है? ये क्या है सच्चाई? सच्चाई ये है कि मैं सुन रहा था एक नेता भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि तेलंगाना का हमने शानदार विकास किया है, तो मेरा मन किया कि मैं उनसे पूछ लूं कि आपने अगर शानदार विकास किया है तो 15% बेरोजगारी तेलंगाना में कैसे है? पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी तेलंगाना में कैसे है, यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज जो मैं आपके बीच आया हूं तो मेरा सीधा एक बात है आपसे, हमारा ना खुद कैरियर बनाने का प्लान है और ना किसी के कैरियर से हमको कोई लेना देना है। एक ही बात है कि सच की पैदाइश है, सच बोलेंगे और सच के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान गवा देंगे। आपके बीच अगर आए हैं तो आपके हकूक के लिए आए हैं और आपकी जो समस्या है उन समस्याओं को उठाना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन जब हम यहां आ रहे थे तो हमको खबर मिली कि हमारी पार्टी के गाड़ी को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। अरे बाबू एक बात सुन लो, तुम्हारा बॉस जिससे डरता है ना, जैसा का बाप, हमको उसी से डर नहीं लगता है। इसीलिए ये गुंडागर्दी अपने पास रखना, जहां जाते हैं सीने में आग लेकर के जाते हैं,
मोहब्बत है हमारा लोगों के प्रति, तुम्हारी गुंडागर्दी से हम डरने वाले नहीं है। और ये याद रखना कि एक बार जनता ने अगर बदलने का पंथ बना लिया तो फिर उस बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है, वो बदलाव होकर के रहता है। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि इस देश का इतिहास ये है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी अपना चुनाव हारना पड़ा है। इस देश का इतिहास ये है कि जब तक आम लोग किसी बात को इग्नोर करते रहते हैं तो तुम अपने आप को ताकतवर समझ सकते हो, लेकिन इस देश की आवाम जिस दिन अगर ये तय कर लेती है तो जब अंग्रेजों का राज नहीं रहा ना तो तुम्हारे बाप का राज भी नहीं रहने वाला है। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि हमारा सवाल इस देश में सिर्फ सरकार बदलने या बनाने का सवाल नहीं है, हमारा सवाल ये है कि राजनीति में फिर से आम लोगों का मुद्दा पुनर्स्थापित हो। राजनीति में फिर से अगर राजनीतिक विमर्श हो, राजनीतिक बहस हो, तो इस बात पे हो कि लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा का अधिकार कैसे मिलेगा, लोगों को मकान कैसे मिलेंगे, सड़कें कैसे बनेगी, फैक्ट्रियां कैसे खुलेगा, रोजगार के साधन कैसे बढ़ेंगे और तमाम धर्म और जाति के लोग मिलकर के समाज में अच्छे से कैसे रहेंगे, मोहब्बत से कैसे रहेंगे, हमको ये स्थापित करना है। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि चाहे आप कर्नाटका की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, हम हमारी पार्टी इस देश में वेलफेयरिज्म को लेकर के, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के सीरियस है। इसीलिए जो वादा हम आपसे कर रहे हैं वो सिर्फ वादा नहीं है। अगर हम आपको कह रहे हैं कि तेलंगाना में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, मतलब हमारी सरकार आएगी तो बिजली फ्री मिलेगी, इसको कोई नहीं बदल सकता है। अगर हमने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा। अगर हम कह रहे हैं कि 500 में सिलेंडर मिलेगा तो 500 में सिलेंडर मिल रहा है, जहां हमारी सरकार है वहां 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। इसीलिए हम आप तमाम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि जो मॉडल हम कर्नाटक में लेकर के आए हैं, जो मॉडल हम राजस्थान में लेकर के आए हैं, आप लोगों को यह जानना चाहिए कि राजस्थान में 25 लाख तक का इलाज सरकार मुफ्त दे रही है और इस बार हमने ये तय किया है कि 50 लाख तक का जो चिरंजीवी योजना के तहत लोगों को इलाज मुफ्त देंगे। और खास करके मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, रे दोस्त, नेता का बेटा नेता बन जाता है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो मास्टर का बेटा कम से कम मास्टर ही बन जाए, पुलिस वाले का बच्चा कम से कम पुलिस वाला ही बन जाए, दुकानदार का बेटा कम से कम दुकानदारी ही करने लगे। अगर वो अपने बाल बच्चे के बारे में सोच रहे हैं ना, अगर वो केसीआर से क्या हो रहे हैं, बिटियार नहीं केटियार, तो बड़ा कंफ्यूजन है भाई साहब, ये टीआरएस से बीआरएस, केसीआर से केटीआर, बड़ा कंफ्यूजन है। मेरा एक सीधा सा बात है कि अगर मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो अपने लिए राजनीति कर रहा है, प्रधानमंत्री का बेटा अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो अपने लिए राजनीति कर रहा है। हे मेरे देश के नौजवानों, हे मेरे तेलंगाना के नौजवानों, आप भी अपने लिए राजनीति कीजिए। और इस देश के संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको बराबरी का हक दिया है। प्रधानमंत्री के बेटा का वोट भी एक होता है और मुख्यमंत्री के बेटा का वोट भी एक होता है और जूता सिलने वाले के बेटा का भी वोट एक होता है। तो वोट की ताकत आपके हाथ में है और आपके हाथ में है तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि तेलंगाना में समय पे एग्जाम हो। और हमारी पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि 3 तारीख को जब आप सरकार बदलेंगे तो तेलंगाना में सरकार अभी तक जॉब कैलेंडर नहीं लेकर के आई है, हमारी पार्टी जॉब कैलेंडर लेकर के आई है कि 1 फरवरी को हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे और फेज वाइज ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, ग्रुप 4 का एग्जाम लेकर के हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है। अगर 1 फरवरी को ये 2 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए
नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तो आप सब हमारे साथ चलिएगा, इनके घर का शीशा हम खोलेंगे, इनके खिलाफ आंदोलन हम करेंगे, अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन हम करेंगे आपके हक और अधिकार के लिए। यह हमारी प्रतिबद्धता है। जानते हैं लोकतंत्र को ना थोड़ा हम लोग भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं। जब तक ब्याह नहीं होता है तब तक रात को दो दो घंटा फोन पे आई लव यू, क्या खाई, मन नहीं लग रहा है। और जब ही शादी हो जाती है तो काम के लिए बाहर निकले हैं, काम से लौटते हुए थोड़ा अपने दोस्त के पास चले गए, बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, उधर से फोन आया, कहां है, लेट हो गया, आए नहीं अभी तक, अरे रखो फोन, काम में है अभी, करते हैं ना। टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, छोड़ के चली जाएगी तब पता चलेगा। लोकतंत्र को, जमहूरियत को टेकन फॉर ग्रांटेड किसी को नहीं लेना चाहिए। अगर जनता टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है तो नेता भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेना पड़ता है। इसीलिए हम आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, खास करके हमारी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं। माता जी रोटी बनाती हैं, बनाती हैं ना, तो रोटी को समय पे पलटना पड़ता है ना, नहीं पलटते हैं तो क्या होता है, जल जाएगी ना। 9 साल से आपने रोटी नहीं पलटी है इस राज्य में, है कि नहीं, नहीं पलटे हैं ना, तो पलटेगी इस बार रोटी। मां लक्ष्मी योजना के तहत इस बार रोटी पलट दीजिए, सरकार बदल दीजिए। और अगर आपने सरकार बदलने का मन बनाया है, मन बनाया है आपने, सब लोगों ने हाथ उठा करके बताइए अगर आपने मन बनाया है तो। आप सरकार पलटना चाहते हैं, सरकार पलटना चाहते हैं तो आपसे आखिरी अपील है, ये मत देखिए कि कैंडिडेट कौन है। और मैं आपको एक बात कह देता हूं, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ना MIM के खिलाफ लड़ रही है, ना BRS के खिलाफ लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी आज के दौर में, इस देश में नफरत के खिलाफ लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी आज के दौर में, इस देश में गरीबी के खिलाफ लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी आज के दौर में, इस देश में बेकारी के खिलाफ लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी आज के दौर में, इस देश में उस मॉडल के खिलाफ लड़ रही है कि एयरपोर्ट, पोर्ट, सब कुछ अपने दोस्त का। वो कहते थे ना सुभाष चंद्र बोस जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजकल बहुत सारे झूठे लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं, ये लोग ये नहीं कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहते हैं तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। पैसा लेते हैं, टिकट बेचते हैं, पैसा लेते हैं, हेलीकॉप्टर लाते हैं, पैसा लेते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, पैसा लेते हैं, एयरपोर्ट, रेलवे, तमाम चीजें जो हम उनके खाते में पहुंचाते हैं। इसीलिए हम देश की आम आवाम को आंख खोल करके जागना पड़ेगा। और आप जब जागते हैं तो हमारे माए बाप तो आप ही है ना। आप अगर टैक्स का पैसा नहीं दिए होते, आप अगर अपने टैक्स के पैसे से सरकारी स्कूल कॉलेज नहीं बनवाए होते तो हमारा जैसा लोग PhD नहीं कर पाता। तो हम आपका नमक खाए हैं तो हम आपकी नमक अदायगी करने के लिए आपके बीच आए हैं। और आपकी नमक अदायगी करते हुए मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि कैंडिडेट मत देखिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जैसे ईंट ईंट को जोड़ने से मकान बनता है, वैसे एक एक विधायक को जिताने से बहुमत मिलता है। यह अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि तेलंगाना में परिवर्तन हो तो हमारा आपसे आग्रह है कि आपको अगर MIM को वोट नहीं देना है तब भी आपके पास कांग्रेस का ऑप्शन है। अगर आपको BJP को वोट नहीं देना है तब भी आपके पास कांग्रेस का ऑप्शन है। अगर आपको BRS को वोट नहीं देना है तब भी आपके पास कांग्रेस का ऑप्शन है। और कांग्रेस का ऑप्शन मतलब आपका ऑप्शन, महालक्ष्मी का ऑप्शन, महिलाओं को फ्री बस यात्रा का ऑप्शन, 500 रुपए में सिलेंडर का ऑप्शन, हर साल 2 लाख रोजगार का ऑप्शन। और इस ऑप्शन को अगर आप जिताएंगे तो सिर्फ तेलंगाना में नहीं पूरे देश में ये मैसेज जाएगा।
जैसे हमको देख करके भाजपा भी बोलने लगी है कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। अगर अगर हम जनता के सवाल को जिताएंगे तो हो सकता है कि अगली पार्टी आकर के कहे कि हम 350 में ही सिलेंडर देना शुरू कर देंगे। तो मैं कहता हूँ कि वो अपने बाल बच्चों के बारे में सोचते हैं, आप अपने बाल बच्चों के बारे में सोचिए, आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, आप अपने हक और अधिकार के बारे में सोचिए। चुनाव इसलिए होता है कि आपके मुद्दों को सॉल्व किया जाए, चुनाव इसलिए होता है कि आपके मुद्दों पर राजनीतिक विमर्श हो, बहस हो, चुनाव इसलिए होता है कि पिछला प्रत्याशी अगर काम नहीं किया है तो उसको हराया जाए, उसको बदला जाए, उसकी जगह पर नए व्यक्ति को लाया जाए। इसी बदलाव की आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम लोग इतना गौर से हमको सुने, हमको बोलने का अवसर दिए, धन्यवाद कहते हुए, शुक्रिया अदा कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।